हेलो एंड नमस्ते, मैं हूँ आपकी दोस्त श्वेता और आज फिर से लेके आ गई हूँ आप लोग के लिए न्यू रेसिपी। और आज की हमारी रेसिपी बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज लेके आ गए हैं आपके लिए इस गर्मी ठंडी ठंडी मलाईदार रबड़ीदार एकदम मस्त मार्केट स्टाइल कुल्फी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आज हम घर पे कुल्फी बनाएंगे और वो भी एकदम सुपर डुपर क्रीमी मलाईदार और बहुत ही टेस्टी, जिसको आज हम बनाएंगे बेहद ही आसान और सिंपल तरीके से, ताकि आप भी अपने घरों में इस कुल्फी को बनाकर फ्रिज में रख लें और जब मर्जी आपको ठंडी ठंडी इस कुल्फी को निकाल के खाएं। और एक बार इस कुल्फी को आपने बना के फ्रिज में रख लिया तो इस कुल्फी का मजा आप एक हफ्ते तक ले सकते हैं, क्योंकि ये खराब होने वाला बिल्कुल नहीं है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके लिए छोटा से छोटा रेसिपी का वीडियो लेके आऊं, ताकि आप मेरे वीडियो को स्किप ना करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और हाँ, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी फ्रेंडों के पास मेरी ये वाली रेसिपी पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपना मलाईदार रबड़ीदार सुपर क्रीमी कुल्फी बनाना। तो इस कुल्फी को बनाने के लिए हम ले लेंगे एक गिलास दूध। तो ये देखिए, हमने जो डेली वेज हमारे घर में दूध आता है, हमने एक गिलास दूध ले लिया है और तीन छोटी कटोरियां ले लिया है हमने। और अब हम एक छोटी कटोरी में ले लेंगे लगभग 3 चम्मच भर के मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से हमारा जो कुल्फी बनेगा वो मलाईदार और बहुत ही टेस्टी बनेगा। और अब हम दूसरी छोटी कटोरी में ले लेंगे चीनी। तो लगभग हमने 4 चम्मच चीनी ले लिया है इस कुल्फी को मीठा करने के लिए। और फिर तीसरी कटोरी में हम ले लेंगे 3 चम्मच नारियल बुरादा। इससे हमारी कुल्फी की लिक्विड जो तैयार होगी थोड़ी सी थिक हो जाएगी नारियल बुरादा से, और जब हम कुल्फी खाएंगे तो नारियल उस टेस्ट में फ्लेवर में आएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा हमारा ये मलाईदार रबड़ीदार कुल्फी। और भी टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो हम 4 बादाम ले लिए हैं और 4 से 5 हमने पिस्ता ले लिया है। और हम कुल्फी का फ्लेवर देंगे इलायची का, तो हमने 2 छोटी इलायची ले ली है। और हम बादाम और पिस्ता को एकदम से बारीक कटिंग कर लेंगे और फिर इलायची को हम कूट कर साइड रख लेंगे। और फिर अब चलते हैं हम गैस की तरफ और गैस को कर लेंगे ऑन। और फिर हम पैन रख लेंगे गैस पे, और फिर पैन में हम जो गिलास में दूध रखे हैं उस दूध को हम पैन में डाल देंगे। उबाल आने तक हम दूध को उबालेंगे और जब उबाल आना शुरू हो जाएगा तब हम गैस को कर देंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि हमारा दूध बाहर ना गिरे पैन से। जब हमारे दूध अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम लगभग 1 कप दूध मिल्क पाउडर में डाल के अच्छे से घोल बना लेंगे मिल्क पाउडर का। तो ये देखिए, हमने एक छोटी कटोरी में जो मिल्क पाउडर निकाल के रखा था उस मिल्क पाउडर में गर्म दूध डालकर अच्छे से हमने इनका घोल बना लिया है। और अब इस घोल को हम पैन वाले दूध में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, नहीं तो हमारा दूध गर्म हो जाएगा। और लगभग दूध को हम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। और फिर हम जो कटोरी में चीनी रखे हैं 4 चम्मच चीनी हम डाल देंगे दूध में, और फिर दूध को अच्छे से हम 5 से 7 मिनट पका लेंगे। जब दूध हमारा अच्छे से पक जाएगा तो हम डाल देंगे कुल्फी का फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो हमने 2 इलायची लिया था, 2 इलायची को कूट के डाल दिया हमने। कुल्फी थोड़ी सी आइसक्रीम से हटके होती है, क्योंकि हमारे कुल्फी में थोड़ा सा मिठाई का टच होता है, इसलिए इलायची फ्लेवर अच्छा लगता है हमारा कुल्फी। तो जब भी कुल्फी बनाए इलायची फ्लेवर का बनाए, और थोड़ा सा मिल्क पाउडर या फिर आप खोआ ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है। तो ये देखिए, हमने कुल्फी का दूध अच्छे से पकाकर रेडी कर लिया है। और हमने लगभग 1 गिलास दूध लिया था, तो ये लगभग 1/2 गिलास से थोड़ी सी ऊपर रह गई है हमारी दूध, यानी कि दूध हमारा अच्छे से पक चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे नारियल बुरादा। तो ये देखिए, हम नारियल बुरादा डाल के अच्छे से इनको मिक्स कर लिए हैं। और अब हम गैस को कर देंगे बंद, और नारियल बुरादा डालने के तुरंत बाद हमें गैस बंद कर देना है। और अब इनको हम ठंडा कर लेंगे 5 से 7 मिनट। और ये जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे थिक होता जाएगा, यानी कि गाढ़ा होता जाएगा। तो ये देखिए, हमारी कुल्फी की लिक्विड तैयार हो गई है। तो चलिए इसको फटाफट कुल्फी कोन में डाल लेते हैं।
तो हमारे पास कुल्फी कोन नहीं है, तो हम इस कांच के ग्लास में कुल्फी को जमाएंगे। आप चाहें तो स्टील ग्लास में या फिर चाय वाली कप में भी कुल्फी जमा सकते हो, बहुत इजीली आराम से ये कुल्फी बन जाएगा। तो ये देखिए, हमने दोनों कांच ग्लास में अच्छे से इस कुल्फी लिक्विड को भर दिया है और फिर अब हम इस ग्लास को अच्छे से कवर कर देंगे। तो ये देखिए, हमारे पास फॉइल सिल्वर पेपर है, तो हम सिल्वर पेपर से ग्लास को अच्छे से कवर कर देंगे। अगर आपके पास ये पेपर नहीं है तो आप पन्नी लगा के अच्छे से रबड़ लगा दीजिए ऊपर से और ग्लास को पैक कर दीजिए, ताकि हमारे कुल्फी के अंदर जरा सा भी आइस ना जाए और हमारी कुल्फी अच्छे से क्रीमी और मलाईदार बने। तो इसलिए ग्लास को अच्छे से कवर करके तब फ्रीजर में डालें। और ये देखिए, हमने ग्लास को अच्छे से सिल्वर फॉइल पेपर से कवर कर दिया है और अब इस ग्लास को हम फ्रीजर में डाल देते हैं 5 से 6 घंटे के लिए। और 5 से 6 घंटे बाद ये देखिए, हमारी कुल्फी अच्छे से जम चुकी है और ये बहुत इजीली सिल्वर पेपर हमारा हट गया और ये देखिए कुल्फी मस्त जम चुकी है। तो चलिए, इस मराईदार रबड़ीदार कुल्फी को निकाल लिया जाए ग्लास से। तो कैसे निकालेंगे, तो हम ग्लास को थोड़ा सा हाथों से रगड़ लेंगे ताकि हमारी कुल्फी जो है ग्लास से हल्की सी निकल जाए अपने आप, और फिर चाकू की सहायता से हम इस कुल्फी को साइड साइड से निकाल लेंगे। और ये लीजिए जी, हमारी सुपर क्रीमी, सुपर सॉफ्ट, सुपर मलाईदार हमारी कुल्फी बनकर रेडी हो चुकी है, और वो भी घर पे। और हमने इस कुल्फी को बनाया अपने डेली वेज कांच के ग्लास में, और ये देखिए बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से ग्लास से निकल जा रहे हैं हमारी कुल्फी। बस इस कुल्फी का अब मैं कुछ नहीं करने, थोड़े से काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स या चेरी है उससे थोड़े से डाल दीजिए इनके ऊपर और मन चाहा सेव कटिंग कर लीजिए इस कुल्फी की, या फिर आप इसको ऐसे भी स्पून से खा सकते हैं। पर हमें घर के सारे सदस्यों को इस कुल्फी को टेस्ट कराना है, तो हम छोटे छोटे बाइट में कटिंग कर लेंगे। तो एक कुल्फी को हम 3 भागों में चाकू से डिवाइड कर ले रहे हैं और ये देखिए जी, कितनी इजीली, कितनी आराम से हमारी कुल्फी कट जा रही है चाकू से। और गर्मी इतनी है कि हमारी कुल्फी जल्दी जल्दी मेल्ट हो रही है, तो फटाफट चलिए इस कुल्फी को काट के हम फटाफट टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मेरे से पूछेंगे इस कुल्फी के टेस्ट के बारे में, तो मैं तो कहूँगी जस्ट वाव। वाव मतलब वाव, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट है। तो देखा आपने कितना सिंपल, कितना आसान तरीके से हमने और मलाईदार, रबड़ीदार और इतनी सुपर क्रीमी कुल्फी तैयार की हमने घर पे। तो देख इस बात की, जाइए फटाफट इस वाली कुल्फी को आप भी बना के टेस्ट कर लीजिए। और हम चलते हैं आपके लिए ऐसे ही न्यू रेसिपी और न्यू वीडियो की तैयारी में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।